Hello children, good morning. Today's topic assessment 1, page number 42 and 43. Okay, so let's start. Open your notebook. Assessment 1. Okay, हमें यहाँ पर revision करना है, ठीक है ना? तो first question है, write numbers 1 to 10. सो राइट इट, नंबर 1 से 10 तक के लिखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 1, 0, 10. सो वंस अगेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 1, 0, 10. Okay. See the next question. Read the numbers and draw those many objects. Numbers हैं और यहाँ पर हमें objects ड्रॉ करने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. टेक यूअर पेंसिल्स, इरेजर्स एंड ड्रॉ विथ मी. ओके, मेरे साथ ड्रॉ करना है. 3, तो यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पर बलून्स बना दिए, ठीक है? यहाँ 1, 2, and 3. ओके, यहाँ पर हमें नंबर्स रीड करने हैं और जितने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उतने ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हमें ड्रॉ कर रहे हैं. नेक्स्ट ऑप्शन 2, तो यहाँ हम क्या बना दें? चॉकलेट्स बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं. तो यहाँ हम क्या बनाएंगे? 2 chocolates. ओके, यहाँ क्या बनाएंगे हम? 2 chocolates. 1, 2 chocolates. ओके, यहाँ हमने इस तरह से 2 chocolates ड्रॉ किया है. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है 5. हम यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट्स बनाएं? 5 स्टार बना सकते हैं, ठीक है? तो हम स्टार बनाएंगे. 1, 2, 3, 4, and 5. इस तरह से हमने यहाँ पर 5 objects हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है? अब नेक्स्ट है 6. अब 6 यहाँ हम क्या बना सकते हैं? बॉल बनाएंगे. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, and 6 circle या बॉल. ओके, यहाँ हमने बॉल ड्रॉ कर दिया. काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द नंबर्स एंड राइट द नेम्स. नंबर्स रीड करने हैं और नंबर्स राइट करने हैं. ओके, सो रीड द नंबर 1. सो व्हाट इज दिस नंबर्स नेम? 1, O, N, E, 1. ऑप्शन बी 2. व्हाट इज स्पेलिंग 2, T, W, O, 2. नेक्स्ट ऑप्शन 4. व्हाट इज स्पेलिंग 4? F, O, U, R, 4. नेक्स्ट नंबर 3. T, H, R, E, E, 3. नेक्स्ट नंबर 5. F, I, V, E, 5. नेक्स्ट नंबर 6. व्हाट इज स्पेलिंग 6? S, I, X, 6. सो नेक्स्ट नंबर 8.
What is spelling it? E I G H T. 8. Next number 7. S E V E N. 7. Next option hai 10. What is the spelling 10? T E N 10. And next option 9. N I N E 9. Okay. See the next question. Write the numbers that comes after, before and in between numbers. Means after number karna hai, before number karna and between number karna hai. Okay. So let's start. 8. 8 after number 9. Okay. 3. 3 after number 4. 7. 7 before number 6. 4 before number 3. 0. And 2 between number 0, 2, 0, 1, 2. So here is 1, 7, blanks, 8. So between number 7, 8, 9. So here is 8. Okay. Is tarah se hame ye first assessment second part mein karna hai. Okay. So today's homework. Assessment 1. Complete your third book. Okay. Bye-bye, students.